बड़ी खबर क्यों रुक करते हैं, आपको बता दें कि 23,000 करोड़ के बड़े घोटाले पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि देश में लंबे समय से बैंकर गरीबी, बेरोजगारी और सबसे बड़े बैंक घोटाले की ये खबर बेचैन करने वाली है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने कहा कि 23,000 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला हुआ है बैंक का और क्या देश कभी इन घोटालों से मुक्त होगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्विटर के माध्यम से केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि देश में लंबे समय से बैंकर गरीबी, बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई आदि की मार झेल रहे लोगों के लिए रोजी रोजगार की कोई अच्छी खबर आने के बजाय करीब 23,000 करोड़ रुपए के सबसे बड़े बैंक घोटाले की खबर बेचैनी और आक्रोश बढ़ाने वाली है। क्या देश कभी बैंक घोटालों से मुक्त होगा। उन्होंने लिखा, ताजा बैंक घोटाले में किसी घोटालेबाज की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों के मन में अनेकों प्रकार के संदेह पैदा हो रहे, जो कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसलिए केंद्र सरकार इस जन आकांक्षा को भी दूर करे कि बैंक में जमा लोगों की कमाई वास्तव में सुरक्षित है और रहेगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने बैंक घोटाले को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है।